हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय द्वारकाधीश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय द्वारकाधीश। कैसे हो आप सभी? तो आज हम जा रहे हैं गौशाला। हाँ, आज हम कई दिनों बाद जा रहे हैं गौशाला साइड। वैसे कोरोना चल रहा है तो अब हम घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन आज कई दिनों बाद जा रहे हैं तो सो एक्साइटेड। एक्चुअली 3 महीने हो गए हैं घर के बाहर नहीं निकले हैं, तो आज सोचा कि कहीं पे जा रहे हैं। तो गौशाला का एटमोसफियर काफी अच्छा रहता है। हाँ, वहाँ गांव जैसा फील होता है और वहाँ का सनराइज भी बहुत अच्छा होता है। पब्लिक भी अभी कम है और थोड़ा सेफ है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। हाँ गाइस, तो चलो हम आज आपको गौशाला की सैर कराते हैं, तो वहाँ का एटमोसफियर कैसा है आपको दिखाते हैं। वहाँ एक्चुअली सेफ है एनवायरमेंट, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, वरना कहीं भी नहीं निकलते। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। या तो हमने हमारी पूरी सेफ्टी कर ली है, मास्क भी लगा दिया है और सैनिटाइजर भी साथ में रखा है, तो हम हमारी पूरी सेफ्टी के साथ जा रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, तो अब हम पहुंच गए हैं गौशाला के पार्किंग एरिया में। ओ वाव, कितने छोटे छोटे पपीज हैं। तो मम्मी उसे बिस्किट खिला रही है। हम लोग घर से निकले तब उसके लिए बिस्किट लेके आए थे। हम लोग जब गौशाला में इंटर हुए तब ये पपीज दौड़ के हमारे पास आ गए और मम्मी ने जब बिस्किट निकाला तो वो खाने लगा। खैर, ये तो छोटे बच्चे का है, अब इसमें नहीं बैठ सकती। कोई बात नहीं, दोनों ने झूले पर तो झूल लिया। अब इस छोटे बच्चे के साथ थोड़ा खेल लेते हैं। देखिए, तो ये दूसरी राइड्स, आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, यहाँ बिल्कुल फ्री है, तो आप भी जरूर अपने बच्चों के साथ आइएगा। वाओ, यहाँ पे तो ग्रीनरी भी अच्छी है ना। हाँ, बहुत सारी ग्रीनरी है। हाँ देखो, ये बड़े बड़े कई साल पुराने पेड़ है। देखो, ये गुलमोहर का पेड़ है। और हाँ, तो ये जो बड़ा वाला है कौन सा है? ये शायद पीपल वाला है। नहीं, आई थिंक वो पीपल तो नहीं है, वट वृक्ष लग रहा है। हाँ शायद। ये वाला पीपल का है। हाँ हाँ, ये वाला पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना। ओ, उसका जो रूट है बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब कई साल पुराना लगता है। पूजा की हुई है लोगों ने शायद। हाँ। ये देखो, ऊपर का व्यू बहुत अच्छा है। तो फाइनली गौशाला का एंट्रेंस आ गया है और हम गौशाला के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये है उसका एंट्रेंस। स्टार्टिंग में है ये एक छोटा सा हनुमान जी का टेंपल। तो ये जो पूरा एरिया है वो एनिमल्स को खाने के लिए है। पहले ये एरिया नहीं था, अभी नया नया ये एरिया बनाया है। बहुत क्लीन और बहुत बड़ा एरिया है इधर से लेके उधर तक। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि रूफ भी लगाया हुआ है, तो जैसे उसकी वजह से बारिश की मौसम में पानी नीचे ना गिरे।
देखो ये दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे न्यू बॉर्न गाय के बछड़े हैं। देखो ये कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, बहुत क्यूट है। देखो ये अभी मैं इसके पास बैठी हूँ तो उससे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, दोनों मेरी साइड देख रहे हैं। देखो ये ट्रक आया है गायों को चारा डालने के लिए, इसे पहले भी कई बार देखा है हमने। हाँ, हमने ये लोगों को पहले भी देखा है, मॉर्निंग संडे मॉर्निंग पे। हाँ, हम पहले भी कई बार आए थे, तब भी हमने देखा था इस तरह से। एवरी संडे पे आते हैं ये लोग। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो, सभी गाय के कान में एक कार्ड सा लगा है, उसमें देखो कुछ नंबर लिखे हुए हैं, शायद वो इंश्योरेंस के होंगे। ये कौन सा, ये येलो कलर वाला? हाँ, ये येलो कलर वाला, हमने सुना है कि ये शायद इंश्योरेंस के लिए है। अच्छा है, फिर भी तो लिए भी इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, वो भी बीमार पड़ते हैं तो अच्छा है ये। धर्मिष्ठा यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी सैनिटाइजेशन प्रोसेस चल रही है। तो बढ़िया है, हम लोगों को जो चाहिए सैनिटाइजर वगैरह तो एनिमल्स को भी तो चाहिए होगा, तो अच्छा है ना। अच्छी केयर कर रहे हैं एनिमल्स की भी, अच्छा है। हाँ, और अच्छा वातावरण रहेगा तो उसे भी मजा आएगा। वाह, क्या सीनरी है, मुझे मेरे गांव की याद आ गई। बेसिकली मैं भी तो गांव से बिलोंग्स करती हूँ, तो मुझे जब भी मन करता है हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। बिल्कुल बढ़िया, गांव जैसा फील है, मस्त है। हाँ, गांव जैसा फील हो रहा है। अगर तुझे जाना है तो चलो, हम अभी चले तेरे गांव। हाँ चलो चलो, मुझे तो जाना ही है, सिर्फ मैं कोरोना ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ, उसके बाद चले जाएंगे डेफिनेटली। अगर गाइस आप लोगों को भी ऐसा नज़ारा देखने का मन कर रहा है तो आप लोगों भी 7 बजे से 10 बजे के बीच आ सकते हो। ये पीछे का पोर्शन देख रहे हो, वो एक रेसिडेंट एरिया है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स की केयर कर रहे हैं और उसका ध्यान रख रहे हैं, उन लोगों का वो रेसिडेंट एरिया है। और ये है बफेलो सेक्शन, वहाँ पे जो एनिमल्स के लिए ग्रास कटिंग हो रही है वहाँ पे मम्मी और नितिन जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये है दो ब्लॉक गार्ड खड़े हुए हैं चारे को लाने के लिए। और यहाँ पे आप जो सेक्शन देख रहे हो ये है ग्रास कटिंग सेक्शन, यानी कि चारे को काटने का सेक्शन है। यहाँ पे ग्रास को कटिंग करते हैं और उसको एनिमल्स को खाने के लिए देते हैं। तो आप वहाँ देख सकते हो कि एक साइड से खाने को डाल रहे हैं चारे को और दूसरी साइड से उसका कटिंग करके चूरा बन के दूसरी ओर निकल रहा है। हाँ, तो इसका एक एडवांटेज होता है कि वेस्टेज नहीं होता, जितना चाहो आप उतना डाल सकते हो एनिमल्स को, तो ये एक अच्छा लग रहा है ना। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे। इट्स वेरी गुड एक्चुअली। हाँ देखो, और फ्रेश भी है, यहाँ से निकल रहा है कचरा निकल रहा है, देखा एक साइड से कचरा भी निकल रहा है ना। ये खाने का है। हाँ, और बारीक बारीक टुकड़ा निकलता है ना, तो उससे क्या होता है कि एनिमल्स को इजी रहता है, तो वेस्टेड नहीं होता।
आपने देखा ना यहाँ पे कितने सारे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो मम्मी उसके लिए दाना डाल रही है। देखो कितने सारे बर्ड्स है यार, हमें तो हमारे गांव की याद आ गई आज। देख धर्मिष्ठा यहाँ पे कितना अच्छा मस्त व्यू आ रहा है। हाँ हाँ देखो ये बिल्कुल गांव जैसा फील हो रहा है यहाँ पे। कोरोना खत्म होते ही पहला काम हमें करना है गांव जाने का। हाँ यार बहुत याद आ रही है गांव की। मम्मी और धर्मिष्ठा उधर खड़े हैं और अब मेरी वेट कर रहे हैं शायद। हमने आधा गौशाला तो घूम लिया है और अब हम जाएंगे खरगोश को देखने के लिए। यहाँ पे खरगोश भी है और पीकॉक भी है, तो हम उधर जाएंगे। देख धर्मिष्ठा अभी यहाँ पे चारा डाल दिया है। अब जब भी हम आए थे उधर उसी टाइम पे क्लीनिंग चल रहा था ना, अभी चारा भी डाल दिया। तो अभी रेडी हो गया है, शायद अभी एनिमल्स को यहाँ पे रखने वाले खाना देने वाले हैं। यहाँ पे बछड़ों का एक अलग सेक्शन है, इसमें छोटे छोटे बछड़े ही है। देखो ये मेरी ओर आ रहा है, देखो ये दो तीन हमारे पास आ गए, शायद इसको भी बाहर निकलना है। यहाँ पे तो सब सारे बछड़े खाना खा रहे हैं ना। हाँ एक साथ मिलजुल के देखो कैसे खा रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू है ये। तो ये सेक्शन है खरगोश का और सारे खरगोश को एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है और ऊपर एक रूफ है, उसमें फैन भी लगा हुआ है। सारे खरगोश को भी बाहर निकलना है, देखो हमारी तरफ देख रहे हैं। सब खरगोश को खाना दिया गया है। हाँ वो देख कैसे रहे हैं देखो, ये बहुत क्यूट है ना वाइट वाला, बहुत उसकी आंखें एकदम पिंक है। देखो उसके कान। हम भी उसको हमारे घर लेके आएंगे, शायद एटलीस्ट एक तो लेके आएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें किसी भी एनिमल्स को पिंजरे में नहीं बंद रखना चाहिए। हमारी कैसे हालत हो गई थी, मतलब अभी भी है कोरोना में, तो किसी एनिमल्स को अंदर नहीं रखना चाहिए। इट्स वेरी क्यूट राइट? यस, बट जब भी मन करे तब यहाँ पे आ जाए ना। तो मैडम थक गए हैं और बैठ गए हैं कुर्सी पे, पैर पे पैर चढ़ा। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और
सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।